अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग ज़रा सा हटकर मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि कुछ हटकर हो जाए। आज का व्लॉग मेकअप के प्रोडक्ट्स और कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैंने ली हैं तो उस पर होगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने हाथों की हालत दिखा लूँ कि जब भी 99% वेमेन का यही हाल होगा कि जब हम लोग लिपस्टिक लेने लगते हैं तो हम लोग उसे ट्राई करते हैं करते हैं करते हैं, हमें पता होता है कि शेड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन हम लोगों ने ट्राई करना होता है। तो मैंने भी लिपस्टिक लेने से पहले काफ़ी सारे शेड्स ट्राई किए और मैंने एक लिपस्टिक और एक ब्लश ऑन लिया था मैक से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊं। और ये ब्लश ऑन मैंने लिया था, इसका नाम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डेजर्ट रोज़। और बहुत ही मज़े का मुझे ये ब्लश ऑन लगा था। मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखाऊंगी। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लिपस्टिक मैं लाई हूँ ये डार्कर साइड पर इसका कलर चला जाएगा। बहुत मज़े का कलर था, मरून, डार्क मरून कलर का था। इसका नेम था डी फॉर डेंजर, यस। सो बड़ा ही मज़े का कलर था। मुझे इतने ज़्यादा डार्क शेड्स यूजुअली मैं प्रेफर नहीं करती लेकिन ये लगाने में बहुत अच्छा था। और ये वीडियो में बहुत ज़्यादा वैसे डार्क आ रहा है लेकिन ये आप इस तरह का समझ लें कि मरून, रेड और मरून को अगर मिक्स कर लिया जाए तो जी इसका शेड डीप मरून में जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये शेड। और ये आप लोग देख सकते हैं कि एक तो हो गई ये लिपस्टिक। और बस घर आकर मुझे हुआ कि मैं एक शेड थोड़ा न्यूट कलर का ले लेती, लेकिन वही कि घर आकर फील होता है कि हम लोग ये शेड ले लेते वो भी ले लेते। एनी हाउ ये मैंने लिया था एक ब्लश ऑन और जिसका नाम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डेजर्ट रोज़ इसका नेम है। और ये बहुत ही आप लोग कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये पार्टी वेयर पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को मे बी फील हो रहा हो ज़रा सा ब्रॉन्जी इसमें लुक आता है। तो ये हैं कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैं बता दूं ये बॉडी शॉप का विटामिन सी स्किन पॉलिश है और इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्क्रब भी। और ये दूसरा एक प्रोडक्ट है बायो ऑयल। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ चीज़ें, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्यों लाई हूँ। ये बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल है, बहुत ज़्यादा इसकी ये फेमस है जी, इसके बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले थे तो मैंने लिया। और ये बॉडी शॉप का लिप टिंट है, लिप एंड चीक टिंट, और बहुत अच्छा। ये इसकी प्राइसेस इन सब के मैं बता दूँ, ये 65 रियाल का है। और बॉडी शॉप का स्किन केयर जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो तो फेमस हैं ही, तो कॉस्मेटिक्स में मुझे अगर जो अच्छा लगता है वो मुझे ये टिंट्स ही इनके अच्छे लगते हैं ज़्यादा। इनके टिंट्स में 2 to 3 शेड्स हैं जिसमें मैंने डार्कर चूज़ किया था, जस्ट बिकॉज कि जब आप वैसे भी टिंट लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ज़रा सा लाइट हो जाता है। और मुझे टिंट जो मैंने ट्राई किए थे उसमें मुझे ये कलर अच्छा लगा था, सो मैंने ये लिया। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो आप लोग देख लें कि इसकी इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी है कि जब जस्ट जिस फिंगर से मैं अप्लाई कर रही हूँ उस फिंगर पर भी इसका स्टेन है, काफ़ी देर ही रहता है और एकदम से रिमूव नहीं होता। कलर और सारा कुछ हर चीज़ में मुझे ये लिप टिंट अच्छा लगा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी स्किन पर पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं,
तो मेरी स्किन पर कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे थे, और जब मैंने इंटरनेट पर इस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा कि चलें इसको ट्राई करते हैं। और आप लोग बिलीव करें कि जब मुझे पिंपल विजिबल होता है मेरी स्किन पर, मैं इसे नाइट टाइम पर अपनी नाइट केयर रूटीन में इंक्लूड करती हूँ और ओवरनाइट रहने देती हूँ। मॉर्निंग में पिंपल ड्राई हुआ होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये है जी बॉडी शॉप का ही विटामिन सी स्किन पॉलिश है। इसकी प्राइस आप लोग देख सकते हैं, मैं प्राइसेस भी साथ साथ आप लोगों को बता रही हूँ, 79 का ये। और ये स्किन पॉलिश है, इसे आप लोग एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन ई और इस तरह जो डिफरेंट इन लोगों का काफ़ी स्किन केयर में इनकी काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हैं रेंज है। तो ये जो है ये स्किन ग्लो करने के लिए अच्छी है, विटामिन सी स्कार्स वगैरह पिंपल्स के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए बेसिकली बेस्ट है। तो स्किन पॉलिश, स्किन ये स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लास्ट प्रोडक्ट ये है बायो ऑयल, और ये मैंने अलग से लिया था, ये भी स्किन के स्कार्स और पिगमेंटेड स्किन के लिए बेस्ट है। इसकी बैक साइड पर ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। स्किन लाइट करने के लिए, इवन जो अनइवन स्किन टोन होती है उसके लिए, ब्लेमिशेस और स्कार्स के लिए अच्छी है। और ये मैं लेके आई हूँ, अभी मैंने ये यूज़ नहीं किया है, और इंशाल्लाह जब मैं ये यूज़ कर लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में सुना है और पढ़ा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइट पर, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैंने बता दिए कौन कौन से स्किन टाइप्स के लिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं लाऊंगी ईद शॉपिंग हॉल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।